नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजीव ब्रावेदा क्लिनिकल पंचकर्म सेंटर से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। आज मेरे साथ जो बच्चा है वो एक स्पेशल चाइल्ड है। इसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डायग्नोज हुआ है, डगन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी DMD है। ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होता है दोस्तों। इसमें बच्चा जो है वो चलते चलते गिर जाता है। इसके साथ भी कंडीशन कुछ ऐसी थी। ये 6 साल का मात्र है और ये जब चलता था तो चलते चलते ही गिर जाता था। जब मेरे पास आया था ये तो ये ना उठ पा रहा था ना बैठ पा रहा था। उठता था शरीर जमीन से तो सपोर्ट लेकर के उठता था, बड़े मुश्किल से उठ पाता था। इसका ट्रीटमेंट पंचकर्म के थ्रू हम कर रहे हैं। अभी जो इसकी प्रोग्रेस है, आज 5वां दिन है इसका ट्रीटमेंट का, और इसमें जो इम्प्रूवमेंट आया है वो एक ट्रिमेंडस रिजल्ट था पंचकर्म का DMD के केस में। हम आपको वही चीज़ें दिखाना चाह रहे हैं। बेटा उठ, बैठो बैठो, अभी ये बैठो 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 बैठो। ये दोस्तों जिस तरह बैठ रहा है, पहले इस तरह से नॉर्मल कंडीशन पॉसिबल नहीं थी। पहले बैठता था तो गिर जाता था, अभी भी ये ऊपर बैठ ले रहा है। उठो बेटा, अभी ये सिर्फ अपने आप को सपोर्ट करके उठ लेता है, नहीं तो पहले जमीन में हाथ रख करके और तब किसी तरीके से बड़े जो है कष्ट के साथ उठता था। पेन बहुत ज़्यादा रहता था, शरीर को बैलेंस नहीं कर पाता था। लेकिन इस 5 दिन में इसमें जो रिजल्ट आया है DMD का, जनरली DMD का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता दोस्तों। इसमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है, डॉक्टर्स स्टेरॉइड वगैरह खिलाते हैं काफ़ी समय तक, और उसके बाद में बताते हैं कि इसमें जो लाइफ है जो बच्चे की बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती है। लेकिन अगर इसको हम प्रॉपरली शुरू से ही मैनेज करें तो इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं DMD के, वो कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम हो जाते हैं, जैसा कि इस बच्चे में देखने को मिल रहा है। इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस था इसका मोर देन 80% रिजॉल्व हो चुका है और किसी भी तरह का इस समय प्रॉब्लम नहीं है इसको। बेटा कोई दर्द होता है अभी? चल पाते हो? चलते चलते गिरते तो नहीं हो? हम बात करेंगे थोड़ा सा इस बच्चे के पिताजी से, प्रॉब्लम थी उसकी। तो दोस्तों आप हैं बच्चे के फादर, इनसे हम जानना चाहेंगे किस तरह की बच्चे की प्रॉब्लम थी, कैसे ये शुरुआत हुआ, कब उन्होंने ऑब्जर्व किया इसको, कैसे इनको लगा कि ये इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो कब आपको ऑब्जर्व हुआ कि ये बच्चा थोड़ा सा प्रॉब्लम में है? ये कोरोना के समय हम घर पर रुके, तब इसको देखा, बार बार ये चल रहा था, गिर जा रहा था, तो उसमें हमने ये एहसास किया कि ऐसे गिर जा रहा है। लेकिन जब ज्यादा होने लगा तब हमने इसको देखा, पैर में हमने देखा, मम्मी पहले देखती थी, उस समय हमने देखा तो ये बहुत बहुत ज्यादा ये था, बहुत ज्यादा कड़ा था। उसी समय हमने इनको ले जाकर एक बार दिखाया दूसरी जगह, फिर आपके पास आए। जब उन्होंने, जब आपने डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने क्या बताया था कि बच्चे में किस तरह की प्रॉब्लम हो रही, क्यों ऐसा हो रहा है? उन्होंने इसकी जांच कराई थी CPK, तो जांच कराई और एक विटामिन की जांच कराई। उन्होंने ये बता दिया कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इसको लखनऊ दिखाइए, लगभग हमको समझ में नहीं आ रहा है कौन सी बीमारी। दोस्तों उस समय जब लखनऊ में दिखाया गया था, प्रॉपर जो काफ मसल्स था बच्चे का वो टेंडरनेस थी जबरदस्त, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी, स्टिफनेस बहुत था, पेन भी बहुत था पीछे काफ मसल से बच्चे को। लेकिन CPK लेवल चूँकि नॉर्मल होने के कारण, जो CPK इसका हुआ था उसकी वैल्यू नॉर्मल आई थी, इस वजह से डॉक्टर ये असेस नहीं कर पा रहे थे कि इसको एक्चुअली DMD है या नहीं है। तो उसके बाद ये हमारे पास आए थे। साइंस और सिम्टम्स के बेस पर मैंने इसको डायग्नोज किया था कि ये DMD का केस है, क्योंकि ग्लोबल साइन वगैरह पॉजिटिव था इसमें। तो उसके बाद से मैंने DMD को ही फोकस करके इसका ट्रीटमेंट करना शुरू किया। और आज की कंडीशन अभी आपको अभी कैसा लगता है? बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, बढ़िया चल पा रहा है, जिम भी रहा है, गिरता नहीं है, गिरता नहीं है। पहले बाकी जो एक्टिविटी है बच्चे की, खेलना कूदना, जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं आम तरीके से लगभग खेल कूद रहे हैं। दोस्तों इस ट्रीटमेंट के साथ साथ मैंने इस बच्चे को सोमप्रासन भी देना शुरू किया है। पिछले एक मंथ से मैं सोमप्रासन इसको दे रहा हूँ। तो कहने का और बताने का सिर्फ पर्पज ये है कि जो सोमप्रासन के रिजल्ट होते हैं वो ऐसे भी केसेस में जहाँ पर मॉडर्न साइंस जो है एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स अपना हाथ खड़ा कर देती है, वहाँ पर भी इस तरह के रिजल्ट हम लोग लेते हैं। तो अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये बता दिया जाता है कि उनका कोई ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट है, हमको भी बता गया इसका कोई इलाज नहीं है, तो ऐसे परिवार परेशान तो हो गया हमारा इसमें। हाँ, तो बताए कि इसका, जैसे डॉक्टर योगी यादव लखनऊ हमने गोपी दास में तो कहे कि इसका कोई इलाज ही नहीं। हाँ, तो उसमें पूरा परिवार परेशान हो जाएगा ना कि भाई 2 महीने में क्या हो गया। सिर्फ आप ही नहीं,
ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्पेशल चाइल्ड सेंटर में इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं और उनको सही प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, उनको पता ही नहीं है कि पंचकर्म जैसा ट्रीटमेंट भी इसमें एक बेनिफिशियल होता है। हमारे जानने वाले हैं जी गोरखपुर के, उन्होंने लगभग 31 लाख रुपए खर्च कर दिया इस पर, ऑपरेशन वगैरह मद्रास बेंगलोर सब जहाँ दिखा चुके हैं, लेकिन उनको भी कोई फायदा नहीं। कुल बात ये है कि इसका कोई अदर ट्रीटमेंट एलोपैथी में नहीं है, एलोपैथी में वाइज हम नहीं चल सकते हैं। मेडिसिन मेडिसिन के नाम पर स्टेरॉइड्स दिया जाता है दोस्तों, और उसी स्टेरॉइड्स पर बच्चे को बैलेंस मेंटेन किया जाता है, लेकिन वो स्टेरॉइड्स एक लंबे समय तक देने के बाद में उसके और सारे कॉम्प्लिकेशन आने लगते हैं। ये बीमारी तो प्रोग्रेस करती ही है और सारी जो है बीमारियाँ उसके मेडिसिन के कारण शुरू हो जाती है। तो इसमें पंचकर्म में हमने इसको सस्टिक सालिक्रिन सॉल्ट देना शुरू किया है। सस्टिक सालिक्रिन सॉल्ट देने के बाद 5वीं सेटिंग के बाद में बच्चे की कंडीशन ऐसी है कि ये इंडिपेंडेंटली अपना वर्क कर सकता है। इसके ट्रीटमेंट में हमने कुछ कैरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट भी दिया है, वो हम आपको आगे दिखाएंगे वीडियो में कि हमने कैसे इसका ट्रीटमेंट दिया और किस तरह से हुआ। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसे बच्चों तक ये मैसेज पहुँच सके जो इस तरह के जो है डिपेंडेंट बच्चे हैं जो जिनको ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से मिल सके। थैंक यू। लंबी सांस, बस छोड़ो, ढीला ढीला बेटा ढीला, ठीक है, उठो,
मिले के साथ लेते रहना।